भाई पहले आप ये वीडियो देखिए, ये लड़का एक इंडियन है और ये कुवैत देश में रहता है। कल जो है कुवैत सिटी घूमने के लिए गया था और जब वापस आ रहा था, जिस टैक्सी में आ रहा था उस टैक्सी के अंदर इसका पर्स रह गया। और वो जो टैक्सी मालिक था ना, जो टैक्सी चला रहा था ड्राइवर, वो एक इंडियन था। तो भाई मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर इस भाई का आपको पर्स मिला है तो मैंने इसका नंबर्स मेंशन कर दिया है और डिस्प्ले पे भी शो कर दिया है, तो भाई इसका यार पर्स लौटा दो यार। उसमें इसका सिविल आईडी है, लाइसेंस है और जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी का गेट पास है और पैसे भी हैं। यार गरीब आदमी है यार, अगर आपको पैसे चाहिए होंगे तो आप भाई से कह दो। मैंने बोल दिया उससे कि अगर कुछ पैसे दो तो दे दियो, कोई मुश्किल ना है, अगर भाई आपका पर्स लौटा दे तो। यार इंसानियत होगी आपकी, आप इस भाई का जो है पर्स लौटा देंगे, क्योंकि उसके करियर का सवाल है यार। अगर लाइसेंस नहीं होगा गाड़ी नहीं चला पाएगा, सिविल आईडी नहीं होगी तो यार अपने देश कैसे वापस जा पाएगा। तो यार आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है यार, इस भाई का जिसको भी पर्स मिला है, जो भी टैक्सी चला रहा था उस टाइम, तो यार भाई को पर्स दे दो। उसका करियर का सवाल है यार, उसका एकाम है, उसका लाइसेंस है यार, जिस कंपनी में काम करता है उसका गेट पास है। अगर गेट पास नहीं होगा तो इस भाई को जो है कंपनी के अंदर एंट्री भी नहीं होगी। तो यार मैं आपसे यही कह रहा हूँ, मैंने नंबर मेंशंस कर दिया है और डिस्प्ले पे भी लगा दिया है। अगर जिस भाई को भी मिला हो, जो भी भाई टैक्सी चला रहा हो, तो भाई उसका ये पर्स जो है वापस रिटर्न कर दो। अगर आपको कुछ पैसे चाहिए होंगे तो मैं आपको दिलवा दूंगा। वो कल से परेशान है बेचारा, रो रहा है यार बहुत ज़्यादा। मैं फेसबुक पर देखा, मेरी फेसबुक की एक वीडियो पर इस भाई ने जो है कमेंट्स किया था, क्योंकि मेरी फेसबुक की वीडियो पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो इन्होंने बोला भाई यार मेरे ऐसे से वीडियो बना दो यार, मेरा पर्स मिल जाए। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ यार जिसको भी मिला हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। अगर आपको नहीं मिला तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि कुवैत में जिस टैक्सी ड्राइवर को इस भाई का पर्स मिला है, पैसे रख ले, जितने भी पैसे होंगे आप रख लो, पर इसका सिविल आईडी, लाइसेंस और गेट पास, जिस कंपनी में काम करता उस कंपनी का गेट पास भाई को वापस कर दो यार, आपकी मेहरबानी हो जाएगी। आप भी एक इंडियन हो और वो भी भाई इंडियन है, तो दोनों भाई भाई इंडियन हो है, तो आप एक दूसरे का पर्स कैसे नहीं दे सकते। मिल सकता है इंशाल्लाह यार, आप लोग बहुत अच्छे हो, इस भाई का पर्स जल्दी से जल्दी लौटाओ। जिसको भी मिला है तो प्लीज़ यार इस भाई का जो है पर्स लौटा दो, क्योंकि ये कल से जो है बहुत परेशान है यार, रो रहा है, क्योंकि यार कल से ये बंदा ड्यूटी पे भी नहीं आया, क्योंकि इसको एंट्री नहीं हुई। जब तक इसके पास गेट पास नहीं होगा तो तब तक इसकी कंपनी में एंट्री भी नहीं होने की है। तो यार जिसको भी मिला हो प्लीज़ यार इस भाई को जो है इसका पर्स लौटा दो। मैंने इस डिस्प्ले पर जो है नंबर शो कर दिया है, मेंशन कर दिया है, जाके इस भाई का जो है इसके नंबर पर कॉल करिए और इस भाई को पर्स लौटा दीजिए। और इस वीडियो को शेयर कर देना, अगर आपको नहीं मिला हो तो किसी और को मिला हो, क्या पता आपके जरिए किसी की हेल्प हो जाए यार। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।